देखिए, मैं समझती हूँ आज के इस आधुनिक दौर में जब हम देश को और समाज को और महिलाओं और बेटियों को इतना आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय पर, ऐसे चरम पर रेणु भाटिया जी का जो ये बयान आया है, ये वही सदियों पुरानी जो है पुरुष प्रधान और महिला विरोधी सोच की एक पहचान देता है। और जैसे एक समय था जब कहते थे कि महिलाओं के खिलाफ अगर क्राइम होते हैं, लड़कियों के खिलाफ कोई क्राइम होता है, तो लड़कियों के कपड़े जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेवार हैं। हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े केसेस में जहाँ महिलाओं के खिलाफ विरोध हुए, तो ये कहा गया घर से बाहर ही क्यों निकली थी, और आज ये कहा जा रहा है कि अगर क्राइम हो रहा है तो कुछ कमरों में ही क्यों जा रही हैं। हम समझते हैं कि ये जो हमारे महिला आयोग की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन हैं, जिन्हें आज महिला सशक्तिकरण और उसको मॉडर्नाइजेशन की आवाज़ को बुलंद करना था, उनके ये शब्द बहुत ही, मैं समझूंगी, दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और निंदनीय हैं। समय की, ज़माने की आर्थिक और सामाजिक जो आवाज़ है वो ये है कि आज महिलाओं को, लड़कियों को अपने घरों से निकलकर हर दौड़ में बराबर कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। उसमें जो चैलेंजेस आएंगे, हमारा कानून, हमारा समाज, हमारी राजनीति उन चैलेंजेस को आसान करेगी कि उन्हें उठा उठा कर उन लड़कियों के लिए और मुश्किल कर देगी। कोर्ट्स ने भी जहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी है, तो वो समाज पर प्रहार नहीं है, बदलते समाज की, बदलते जो एक रूपरेखा है उसे पहचाना है। और कोर्ट जब ऐसे कदम उठाते हैं तो ये मानते हैं कि मात्र एक सेरेमनी, एक रीति इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी एक कमिटमेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उससे जुड़ी हर जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। लड़कियां आज बाहर जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द पहले ही ये कह देते हैं कि अगर कुछ क्राइम हुआ है और लड़की किसी ऐसे स्थान पर थी जो घर से बाहर था, तो वो जिम्मेवार है। हम समझते हैं हमें अपनी बेटियों को कांच की गुड़िया नहीं बनाना, हमें समाज को, अपनी मानसिकता को बदलना है, और महिला आयोग इसमें सबसे आगे होना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेणु भाटिया जी के जो शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को और बेटियों को पीछे धकेलते हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह को भी इन्होंने क्लीन चिट दी थी। यस, ये किसी के भी दिमाग से बात अभी मिटी नहीं होगी। इन्होंने जब इस क्राइम के खिलाफ हमारी महिला कोच ने आवाज़ उठाई, तो इन्होंने उससे मिले बिना ही कह दिया था कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत नाइस जेंटलमैन है। तो कहीं ना कहीं जहां उन्हें क्लीन चिट मिली थी, तो एक बार फिर इस क्राइम का ढीकरा इन्होंने कहीं ना कहीं, कहे या अनकहे शब्दों में, एक बार फिर महिला कोच के ऊपर डाल दिया गया था। मैं समझती हूँ दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव। जो आज उनका दायित्व है, जो भी उनकी पर्सनल सोच हो, वो उनकी पर्सनल हो सकती है, लेकिन जब वो महिला आयोग की चेयरमैन है, तो उनकी ड्यूटी महिलाओं की तरफ है और उनके साथ उनके पक्ष में खड़े होने की है, ना कि किसी तरह से अपनी एक, जो मैं कहूंगी, उनकी जो भी पॉलिटिकल या सोशल उनकी बैकग्राउंड रही हो, उसकी सोच को यहां थोपने की।